स्टूडेंट्स, तो आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 7.4, ठीक है। 7.4 और 5 दो एक्सरसाइज ऐसी हैं जो एक तरह से इस चैप्टर का कोर है, बेस है, ठीक है। और बड़े जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इन दोनों एक्सरसाइज में से आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं बताऊंगा, वो साथ के साथ लर्न कर लेना। ये नहीं कि यार एक साथ बाद में करेंगे, दो एक्सरसाइज के एक साथ कर लेंगे, वो चीजें अगर करोगे तो फॉर्मूले लर्न नहीं कर पाओगे और दिक्कत आएगी। साथ के साथ कर लो, अगर साथ के साथ करोगे तो आगे भी कई एक्सरसाइज में फायदा होगा उस चीज से, ठीक है। अब पहले फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, फिर आगे का सॉल्यूशन करते हैं। देखो 6 फॉर्मूले हैं टोटल, ठीक है। 6 में से 3 फॉर्मूले बिना रूट के और 3 फॉर्मूले रूट के साथ। पहला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को देखें, 1/2a log इसमें आ जाता है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसमें आ जाता है a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज है दोनों में। तीसरे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टेन से डिराइव्ड है, अगर याद रहेगा टेन का फॉर्मूला कि टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x² + 1, ठीक है। वही फॉर्मूले से डिराइव है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये tan का फॉर्मूला हो गया। तीन फॉर्मूले, इसके बाद बाद के तीन फॉर्मूले जो है वो अंडर रूट पे है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो अंडर रूट में वैल्यू है वही आएगी, बाकी सब फॉर्मूले में सेम है दोनों में। और पांचवा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये साइन से डिराइव्ड है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स का, 1/√1 − x², उसी से ये डिराइव्ड है फॉर्मूला, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैल्यू आती है जब हम एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स क्यूब को टी माना, 3x² dx = dt, ये पूरी वैल्यू ऊपर की हटा दी मैंने यहां से, इसकी जगह लिख दिया dt, 1/x³ है, ये t माना था, x³ है, स्क्वायर कर दो इधर, x³² = t² ये हो जाएगा x³ = t, तो x³ की जगह हम लिख सकते हैं t², ये है 1 की जगह लिख सकते हैं 1² फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है इसमें बिना अंडर रूट का, प्लस का फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a² = 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, 1/a a की जगह है 1, tan इनवर्स x की जगह पे है t अपॉन में a की जगह पे है 1 प्लस c। वैल्यू लिख दो, tan इनवर्स t को मैंने माना था x क्यूब, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म बनी हुई है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर आता है मल्टीप्लाई में उसको कॉमन लेके बाहर निकालना पड़ता है, तब जाके इंटीग्रेशन करेंगे। वैसे तो एक डायरेक्ट तरीका भी होता है इसका, सुनना ध्यान से, एक डायरेक्ट तरीका होता है कि जो मल्टीप्लाई में आ रहा है उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, लेकिन कई बार उससे कंफ्यूजन होता है और कहीं ना कहीं वो नंबर छूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि कॉमन लेके सॉल्व करो, वो ज्यादा इजी रहेगा और थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन सही होगा हमेशा, ठीक है। देखो 4 कॉमन लेंगे इसमें से, 1/√4 कॉमन लिया, इसमें 4 है ही नहीं तो 1/4 ये आ जाएगा x² dx, 4 रूट से बाहर आएगा तो ये 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडर रूट 1/4 को लिखेंगे 1/2² + x². अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसमें, अंडर रूट में है तीनों में से कोई प्लस का है ये वाला फॉर्मूला, ये लगा दिया। फॉर्मूला हर बार लिखना है ताकि याद हो जाए, dx अपॉन अंडर रूट x² + a²
लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, वैल्यू रखेंगे 1/2 तो पहले से ही है ये लिखा, लॉग एक्स की जगह पे एक्स है प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, कंप्लीट हो गया, और होल स्क्वायर करके लिखना चाहो तो लिख दो वरना ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, फॉर्मूला हर बार लिखना, और शुरू के कम से कम 10-12 क्वेश्चन में तो लिखा करो, पेपर में तो लिखना है वो अलग है, लेकिन शुरू के 10-12 क्वेश्चन में लिखा करो ताकि फॉर्मूले याद होते रहे साथ के साथ। इसको सॉल्व करना है, एक्स के साथ में मैंने यहाँ पे बोला था मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है, ये माइनस में है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में -1 है, तो -1 जरूर लिखना साथ में। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, ये फॉर्मूला यही वाला लगेगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया, लॉग एक्स की जगह है 2 - x प्लस अंडर रूट ये ब्रैकेट वाली वैल्यू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस सी। आगे मैंने बताया था जैसे यहाँ पे x के साथ में कुछ नहीं है लेकिन -1 है मल्टीप्लाई में, तो ये -1 जरूर लगाना, इसकी वजह से गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 2 - x प्लस अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, अगला फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर के साथ 25 है मल्टीप्लाई में, 25 कॉमन लेके बाहर लेके जाएंगे, देखो 1 अपॉन अंडर रूट 25 कॉमन लिया, यहाँ पे 25 था ही नहीं, तो 9 अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करके 25 अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन में 9 होता है 3 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सॉल्यूशन करना है, अंडर रूट ये रहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला लिख दो, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 1/5 तो पहले से बाहर लिखा, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे है एक्स अपॉन ए की जगह पे है 3/5 प्लस सी, ये 5 डिवाइड के भी डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस सी, ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से बेसिक बताया मैंने कि कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, केवल वही बताया अभी। ठीक है, आगे आएगा कि कैसे हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो डायरेक्ट कन्वर्ट दिया था, आगे कन्वर्ट भी करना पड़ेगा तो वो चीज समझाएंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा ध्यान देना क्योंकि आप लोगों को ही सॉल्व करना है, मैं तरीका बताऊंगा केवल इसमें। ठीक है, देखो x की पावर 1 है ऊपर, 1 कब आता है जब हम x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब t मानना है। ठीक है, तो x की पावर 2 को मैंने माना t, ये आ जाएगा 2x dx बराबर dt। ठीक है, 2x dx बराबर रख सकते हैं हम dt, यहाँ पे 2 नहीं है 3 है, तो ये 2 यहां से हटा के इधर ले गए। ठीक है, अब अरेंज कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना, पहले तो इसको ही अरेंज कर लेते हैं, 2 आ रहा है इसमें, 2 को बाहर लिखेंगे, 1/2 बाहर लिख दिया, ये आ जाएगा 3 भी यहाँ पे काम का नहीं है, 3 भी बाहर लिख दिया, x अपॉन 1/2 प्लस ये आ जाएगा x की पावर 4 dx। एक बार अच्छे से देख लो भाई,
बाहर लिखा, टू भी कॉमन लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, टू कॉमन लेके बाहर लिखा, ये 1/2 और ये एक्स की पावर 4। अब इसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक्स डी एक्स हटाया, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी टी बाय टू, तो 1/2 तो पहले से था, ठीक है, 3/2 तो पहले से था, 1/2 इसका भी लिख दिया, ये पहली वाली वैल्यू आ गई, 1/अपॉन में 1/2 प्लस अब एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2 को मैंने टी माना है, तो एक्स की पावर 4 आएगा टी की पावर 2 लिखने पे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो इसको, 3 × 1 3, 2 × 2 = 4, इंटीग्रेशन 1/अपॉन ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टी का होल स्क्वायर डीएक्स, अंडर रूट नहीं लगा हुआ इसमें, अंडर रूट नहीं है, प्लस का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना और फिर लास्ट में सॉल्यूशन करके टी की वैल्यू लिखना, ठीक है, थोड़ा अरेंज करना डिफिकल्ट है, अरेंज करना आ गया तो सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा इसका, क्लियर। अगला ये क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का है कुछ, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 3 को टी मानेंगे जब जाके 2 आएगा, एक्स की पावर 2 3 dx बराबर dt, 3 यहां पे है ही नहीं, इंटीग्रेशन dt 1/3 बाहर आ गया, 1/1 का स्क्वायर और एक्स की पावर 6, 3 को जब टी माना है तो 6 बनाने के लिए एक्स की पावर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा सेकंड वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई करना, वैल्यू लिख देना 1/3 बाहर लिख देना, क्लियर। अगला ये क्वेश्चन, वही सेम कंडीशन, एक्स की पावर 3 को मानेंगे टी, 3x² dx बराबर dt, 3 हटाया है यहां से, डिवाइड में आ गया 3, ये आ जाएगा 1/3 dt 1/√ x की पावर 6 है, x की पावर 3 को t माना, x की पावर 6 चाहिए तो ये हो जाएगा t² प्लस इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, 6 को हम लिख सकते हैं a की पावर 3 की होल पावर 2, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना और t की जगह वैल्यू लिख देना, ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बस इसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। टेन एक्स को टी मानेंगे, टेन एक्स को टी मानने पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये आ जाएगा डी टी 1/√ ये t² और ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करना अंडर रूट वाला ये, ठीक है, और सॉल्यूशन करना है कंप्लीट, क्लियर। ये चार क्वेश्चन बेसिक तरीके मैंने बता दिए, बस केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है अब इसमें लास्ट में, ठीक है, तो ये कंप्लीट करना, कोई भी डाउट आए आपको पहले भी बोल रखा है आप कमेंट में लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन फोटो के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू अलग से हम आपको भेज देंगे, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको, एक्स अपॉन में अंडर रूट x² माइनस 1 डी एक्स माइनस 1/अपॉन में अंडर रूट x² माइनस 1 डी एक्स, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया हमने, ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे नीचे वाले को टी मान के, ठीक है, x² माइनस 1 को माना टी, ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt, 2 है ही नहीं यहाँ पे, हटाया डिवाइड में लिख दिया 1/2 इंटीग्रेशन x dx हटाया इसकी जगह dt 1/ इसको माना था मैंने t अंडर रूट t, ठीक है, ये ऊपर जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 dt, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो n वाला, 1/2 माइनस 1/2 टी की पावर माइनस 1/2 माइनस 1,
क्लियर, ये हो जाएगा माइनस वन बाय फोर टी की पावर थ्री बाय फोर माइनस का, और टी की वैल्यू जो भी थी वो वैल्यू लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये तो पहला वाला सॉल्यूशन हो गया, चाहो नीचे ले जा सकते हो पावर लगाने के लिए, बाकी ये पहले वाले का तो ये सॉल्यूशन हो गया। इसका सॉल्यूशन, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, लास्ट में लाके लिख दो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये है आई वन, ये है आई टू, ठीक है, आई वन का इंटीग्रेशन ये कर दिया मैंने, ठीक है, आई टू का इंटीग्रेशन करेंगे, आई टू का इंटीग्रेशन बराबर में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये आई टू की वैल्यू यहां पे लिख दो, बीच में माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगाया, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, इजी है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आ गया तो इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा अलग है, अभी तक हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिए हुए थे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके और सॉल्यूशन करना था, अब यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन दे तो रखा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मेथड हम अप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है। अब वो मेथड अप्लाई करके सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस टू, सबसे पहली स्टेप, और स्टेप याद रखना है इसमें, सबसे पहली स्टेप, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसको हम कॉमन लेते हैं बाहर, यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो कुछ कॉमन लेना भी नहीं है, पहली स्टेप स्किप हो गई सीधे, ठीक है। दूसरी स्टेप पे चलते हैं, दूसरी स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स के साथ जो नंबर होता है उसको करेंगे टू से डिवाइड, और उसका स्क्वायर प्लस भी करेंगे, उसका स्क्वायर माइनस भी करेंगे। क्या बोल गए सर आप, समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ। देखो एक्स के साथ जो नंबर है उसको करेंगे टू से डिवाइड, और उसका स्क्वायर प्लस भी करेंगे और उसका स्क्वायर माइनस भी करेंगे, ठीक है। एक्स के साथ था टू, टू को टू से डिवाइड किया वन, वन का स्क्वायर प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया। ये चीज याद रखना, हमेशा टू से ही डिवाइड करना है चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक है। अब यहां पे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे यही वैल्यू आएगी, ठीक है, माइनस वन और ये टू, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, वन को लिख सकते हैं वन का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो वन अपॉन इस वैल्यू की जगह हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट में नीचे के तीन प्लस का फॉर्मूला ये रहा, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, लॉग एक्स की जगह रखेंगे एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ए की जगह वन का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये वैल्यू लिख दो, या फिर मैंने बता रखा है अंडर रूट में वही वैल्यू आती है जो कॉमन लेने के बाद लिखा होता है, अंडर रूट में हमारे पास ये वैल्यू है, डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दो, क्योंकि सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे दो या तीन नंबर में, ठीक है। अब इसी टाइप का ये अलग क्वेश्चन है, इसमें परफेक्ट स्क्वायरिंग थोड़ा और अच्छा है, ध्यान से समझना, नाइन एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस फाइव। सबसे पहली स्टेप, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो कॉमन लेके बाहर लिखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है नाइन, कॉमन लेके बाहर लिखा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर
यहाँ पे 9 है ही नहीं, तो यह आ जाएगा 6/9x और 5/9। जहां पे कॉमन नहीं आ रहा वहां पे क्या करना है कि हम जो भी नंबर कॉमन ले रहे हो उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। जैसे इसमें कॉमन आ रहा था कॉमन लेके बाहर लिखा, इसमें कॉमन नहीं आ रहा तो डिवाइड में 9 लिख दिया, ठीक है। पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप, एक्स के साथ जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया 3/9 और कट रहा है 1/3, इसका स्क्वायर प्लस भी करेंगे और इसका स्क्वायर माइनस भी करेंगे, ठीक है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 9x+1/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -1/9 5/9। एलसीएम लेंगे इसका 9x+1/3 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे 1+5 माइनस का 1 प्लस का 5 अपॉन 9 x+1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9। 4/9 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, वैल्यू हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन 1/9 बाहर आ गया, 1 अपॉन x+1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन 1/x² + a² ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का, ये रहा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है। 1/9 कांस्टेंट पहले से है, 1/a की जगह है 2/3, 2/3 tan इनवर्स x की जगह पे ये पूरी वैल्यू x+1/3 अपॉन में a की जगह पे ये 2/3, ठीक है। थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, ध्यान से देखना, ये इधर कर रहा हूँ सॉल्यूशन, 3 इधर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 3 से 9 काट सकता हूँ, 3 × 2 = 6, 1/6 tan इनवर्स, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3x+1/3 / 2/3, 3 से 3 काटा 1/6 tan इनवर्स 3x+1/2 प्लस सी, ये पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आएगा इस एक्सरसाइज का, उसमें इसी से रिलेटेड आगे वाले क्वेश्चंस कराएंगे, एक मेथड और है इसमें, ठीक है, वो अगले पार्ट में समझाएंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।